हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विजय कालकोट एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स से लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसी को अगर रिएक्शन गैसीय स्टेट में दी गई है तो उसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे अप्लाई करें आज ये भी देखेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ हम क्या करेंगे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए देखते हैं हमारे एग्जांपल कौन से हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एग्जांपल फर्स्ट है, मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और कई बार आपको देखने को मिलते हैं, बार बार ये एग्जाम में आते हैं। वैसे तो एग्जाम्पल आपको पता है लाखों सारे हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बट मैक्सिमम टाइम जो भी उसके अंदर आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं तो फर्स्ट क्या वो मैंने लिखा ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। अगर आप 5-6 एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ याद रखने हैं, ये आपको दिखाई दे तो आपने सीधा आंखें बंद करके कहना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ भाई, सबसे पहले क्या ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई बात आ जाए तो वहां भी क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई होती है। सेकेंड अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है न्यूक्लियर डीके या फिर रेडियो एक्टिव डीके होता है वहां पर भी क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कई बार उसमें आए हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं वो एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इन एसिडिक मीडियम, केन सुगर भाई केन सुगर ये क्या सुक्रोज है ये, ठीक है ये है सुक्रोज। सुक्रोज इसको सुक्रोज कह देते हैं इसमें, ठीक है ये वाटर है और यहाँ पर ये क्या इन्वर्जन यानी कि इसका उल्टा हो जाना, ये टूटेगा डिसोसिएट हो जाएगा किसी में अपनी मोनोमर यूनिट्स में टूट जाएगा और ये बनेगी भाई यहाँ पर ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज तो इनमें स्टूडेंट्स आप ये देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ये क्या जब इन्वर्जन होगा यहां भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई होती है। ये डेक्सट्रोरोटरी है, ऑप्टिकल रोटेशन अगर हम इसकी देखें तो थोड़ा हाँ उसमें चले गए, अगर ऑप्टिकल रोटेशन देखें इसकी हम तो वहां पर रोटेशन ये डेक्सट्रोरोटरी है और ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ये एक डेक्सट्रोरोटरी है और ये एक लियोरोटरी है, जो फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला सेम होगा इनके स्ट्रक्चरल इनके अंदर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्टिकल रोटेशन में डिफरेंस होता है, लियो रोटेटरी होता है वो क्या है फ्रुक्टोज और डेक्सट्रो रोटेटरी होता है वो क्या होता है ग्लूकोज, ठीक है। इनके कंपैरिजन में क्या है ये इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बनता है, ये मोर बनेगा भाई फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन का आपको पता होगा प्लेन पोलराइज लाइट होती है, अगर ऐसे प्लेन पोलराइज लाइट है एक प्लेन में लाइट आ रही है सीधी ऐसे, ठीक है, और उसको हम क्या है उसमें से पास करवाते हैं भाई न्यूक्लिप उसकी ऑप्टिकल रोटेशन देखते हैं हम। ऑप्टिकल रोटेशन अगर हम देखेंगे तो ऑप्टिकल रोटेशन से क्या होगा यहाँ पर अगर ये प्लेन सीधा एंगल है इससे ऊपर देखना आपने, अगर ऊपर इस साइड रोटेट कर जाए इस साइड राइट साइड में तो आप कहोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अगर ये इस साइड रोटेट कर जाए तो आप कहोगे लीवो रोटेटरी। हम इस तरह से क्या है ऑप्टिकल रोटेशन देखते हैं, ये रोटेशन का ही डिफरेंस होता है इनके अंदर, बाकी क्या केमिकल फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फोर्थ एग्जाम्पल है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे और ये रिएक्शन आप क्या है 10th क्लास में भी करके आए हो, ये आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अल्कोहल है, ठीक है। ये क्या है इथेनोइक एसिड और ये क्या इथेनोल, दोनों को मिला के क्या बनता था हमारा एस्टर बनता था, इसकी रिवर्स हो गई और वहां पर क्या होता था वोटो मोलिकुल बाहर निकलता था, तो इसकी रिवर्स हो रही एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बोलेंगे, तो इसमें क्या बन जाएंगे एस्टर से क्या बनेगा एस्टर, देखो ये यहां से टूट जाएगा भाई यहां से टूट जाएगा, ठीक है। और ये किस में एच और OH, OH इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5OH और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है CH3COOH ये यहां जुड़ जाएगा, यानी कि आपको ये पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये क्या अल्कोहल बनेगा, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड आप सभी जानते हो, और ये क्या है इथेनोल, ये इथेनोल। तो यहां में इस रिएक्शन के अंदर भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई होती है, ये याद रखना। और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बार बार बोर्ड्स में तो बार बार ये पूछे, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है,
ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ N2O5। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी करेंगे, गैसेस मीडियम में होता है, गैस ही होती है, तो इसका डिसोसिएशन होगा तो ये प्रोडक्ट होगा, यहाँ भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही अप्लाई होगी, यहाँ भी क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही अप्लाई होगी। एक और एग्जाम्पल मेरे को ध्यान आ रहा है, एक और कर लो, एक एग्जाम्पल आप क्या लोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिसोसिएशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड में भी क्या होगा, यहां पर 2H2O2 2H2O प्लस O2। अगर यहां भी ये 6 हो जाएगा, एग्जांपल नंबर 6 कर लो उसकी, ठीक है, यहां भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही अप्लाई होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपने याद रखने, और मैक्सिमम टाइम क्या है बोर्ड में आते रहते, इनको एक बार नोट करो, फिर मैं आपको क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताता हूं गैसी स्टेट में कैसे अप्लाई होती है। यस, पूछ करके इनको कर लो। हाँ हो गए, अब देखते भाई नेक्स्ट गैसेस मीडियम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे अप्लाई होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही हमने बात करनी, उसी के एग्जांपल आज इसमें करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि 99% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही एग्जाम में आती है। हमारे एग्जाम में दो ही रिएक्शन दी गई है, सिलेबस में दो ही रिएक्शन, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। एनसीईआरटी भी इसी के ऊपर इंटीग्रेटेड मेथड दे रही है, और 99% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछी जाती है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड्स एग्जाम में। कम्पिटिटिव एग्जाम में भरी बॉडी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने करनी, सेकंड थर्ड और एंथ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, वो क्या हायर क्लासेस में आती जब हमारे सिलेबस में नहीं आती, तो हमें वहाँ जाने की जरूरत, जितना सिलेबस में है उसको बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या निकाला था, और कि कैसे निकालते हैं टी, कैसे निकालते हैं टी, निकालने के लिए हमारे पास क्या था, क्या फॉर्मूला बन रहा था हमारा, 2.303 बाई के, ठीक है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये हमारी क्या बन रही थी, इक्वेशन थी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो यहां से अगर कोई रिएक्शन गैसी स्टेट में दी गई हो तो हम कंसंट्रेशन की जगह उसका प्रेशर देखेंगे, प्रेशर क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, टी निकालने के लिए क्या होगी, 2.303 बाई के लॉग, ये लॉग जो सिंपल लॉग लिखा जा रहा है ये आप समझना भी, लॉग बेस टू पावर 10 है, ठीक है, लॉग 10 ये ऐसे, ठीक है, लॉग ई लगाओगे, ऐसे लिख दिया आपने लॉग ई, ये हो गया नेचुरल लॉग, इसको आप ln लॉग भी कह सकते हो, ये और ये सेम है, ठीक है। अगर सिंपल लॉग लिख के दे रहा है, बोर्ड में आपको सिंपल लॉग लिख के देगा, तो आप लॉग बेस की पावर 10 ही मानना है आपने, वही लेना, कंपिटिटिव में तो लिख के देता है लॉग, यहाँ पे आएगा भाई आपने इस कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लेंगे, फिर प्रेशर लेंगे, ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऐसे लिख देता हूँ, PI इनिशियल प्रेशर, और क्या है फाइनल प्रेशर, सॉरी रिमेनिंग प्रेशर, फाइनल यानी कि रिमेनिंग, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या है, PA निकालने के लिए क्या है, या फाइनल के लिए देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज करो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है भाई, ए है, ठीक है, और ये गैसीय स्टेट में है, और इससे प्रोडक्ट बन रहा है हमारा बी, ये भी गैसीय है, प्लस सी, ये भी गैसीय है, ठीक है। अब गैसेस की कंसंट्रेशन ही होगी, गैसेस की गैस का तो हम क्या देखेंगे, प्रेशर लेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए ये इक्वेशन कैसे अप्लाई हम करेंगे वो बात मैं आपको आज समझाना चाह रहा हूँ, राइट। तो भाई कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने देखनी है, तो हमने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है यहाँ पर, इनिशियल प्रेशर बाई रिमेनिंग प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए जो रिमेनिंग किसी भी टी टाइम के बाद। तो यहाँ पर अगर इस रिएक्शन को मैं देखूँ, तो यहां से देखो स्टूडेंट्स, अगर टी जीरो है, टी जीरो यानी कि इनिशियल स्टेट के अंदर टी स्टार्ट ही हुआ है टाइम, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा इसका, इसको मैं कह देता हूं पी आई, ठीक है, यहां पर इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, इनिशियल स्टेट में क्या होता है, रिएक्टेंट हमारे पास है ही केवल रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट है ही नहीं,
तो प्रोडक्ट नहीं है तो ये जीरो जीरो, ठीक है। एटमोस्फेयर में ले लेते हैं हम एटीएम, ठीक है, ये यूनिट लगा देते हैं, ठीक है, ये मैं बता रहा एटमोस्फेयर, ठीक है, एटीएम यूनिट लगा देते हैं। आफ्टर सम टाइम यानी कि टी इज इक्वल टू टी, उस टाइम के बाद, तो उस टाइम के बाद क्या होगा, टी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसका ये कम होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसकी कंसेंट्रेशन कह लो कम होगी, तो कम होगा तो क्या होगा, इसका प्रेशर भी कम होगा और इनका प्रेशर, ये जो प्रोडक्ट बनने लगेंगे तो इनका प्रेशर बनता जाएगा, ठीक है। कितना कम होगा, टी इनिशियल जितना था माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है, और ये कितना होगा एक्स, ये भी कितना होगा एक्स, इसका सी का, ये वन मोल है, ये सी है भाई, ठीक है, ये वन मोल है, ये भी वन मोल है, ये भी वन मोल है, मैंने वन टू थ्री फोर नहीं लिया, ठीक है, ये वन वन मोल है, तो इस तरह से ही होगा। आपने पार्शियल प्रेशर आपने देखा होगा, पी टोटल प्रेशर क्या होगा, इस यहाँ नहीं लिखते भाई, यहाँ लिखते हैं, यही बताता हूँ, पी टी मतलब पी टोटल प्रेशर कितना होगा लास्ट में, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, यानी कुछ टाइम बीत गया, 50% या फिर 20% या 30%, कुछ टाइम के बाद कुछ रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड हो गई। तो अब आप समझ रहे हो, किसी बीकर के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है वहां पर, तो वहां पर कुछ टाइम के बाद, मैंने इसके क्लोज कर लिया ऐसे, तो वहां पर रिएक्टेंट भी होते हैं और क्या है, प्रोडक्ट भी, दोनों ही होते हैं। तो टोटल प्रेशर तो किसका होगा, रिएक्टेंट का भी होगा और प्रोडक्ट का भी होगा, प्रेशर तो वही होगा क्योंकि दोनों ही चीज होंगी। अब वो इनकम्प्लीट रिएक्शन है, पूरा तो रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद हम कह रहे हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, पी टी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर वाला लॉ लगेगा, कैसे, पी ए प्लस पी ए मतलब पी इसका ए का प्रेशर, पी बी बी का, प्लस पी सी सी का, और भी आगे होते तो प्रोडक्ट उनका सभी का प्रेशर, यही होगा ना, पी टोटल, टोटल तो यही होगा। तो अब यहाँ से हमारे पास तीन ही है, तो तीन ही होंगे हमारे पास, वन टू थ्री थ्री ही होंगे। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं, हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी है, ये वैल्यू पुट कर देंगे कुछ टाइम के बाद, पी टी क्या हो जाएगा, पी ए की जगह क्या रखेंगे, पी आई माइनस एक्स, राइट, प्लस एक्स, प्लस एक्स, ध्यान से देखो भाई, स्पेशल मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर x x ये प्लस माइनस ये फिनिश, तो बस क्या बच गया, पी टी इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई, ये हमारी x की वैल्यू आ, एक्स की वैल्यू, तो किसी भी यानी कि यहां पर हमने क्या लिखना है, रिमेनिंग यानी कुछ टाइम के बाद जो प्रेशर होगा वो, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, टी टाइम के बाद प्रेशर होगा, टी टाइम के बाद प्रेशर कितना हो रहा हमारा, यानी कि पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू 2.303, ये तो आपको पता है, नेचुरल लॉग हमने कन्वर्ट किया था, के कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, लॉग पी आई, ये कितना हो गया, ये कितना होगा यहां पर, पी आई माइनस एक्स, यही तो होगा रिमेनिंग यहां पर, पी आई माइनस एक्स यही करेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है, इसको हम रख देंगे, एक्स की वैल्यू रख देंगे यहां पर, यही सोल्व कर लेते हैं, वहां सीधा फॉर्मूला बनाएंगे, यहां पुट कर देंगे हम पी आई माइनस एक्स, ठीक है, ये क्या हमारे पास पी आई माइनस एक्स, देखो यहां रखते हैं हम, हमारे पास अभी पी आई माइनस एक्स, ठीक है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो गया, पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, ठीक है, ये है क्या, ये क्या है, पी ए आफ्टर सम टाइम, प्रेशर ऑफ ए ये है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, तो ये हो गया पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। अगर अब हम क्या है, पी आई इनिशियल ब्रैकेट को ओपन कर दो, पी टी, और ये क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी आई, तो यहां पर पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, टू पी आई माइनस पी टी, ये वैल्यू आ जाएगी, पी ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं।
तो पी ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली है, ठीक है, या फिर क्या है एक्स की वैल्यू, ये मैंने एक्स की जगह ये पुट किया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, हम सीधा क्या रखेंगे, 2 PI - PT आएगा समझ में, एक एग्जांपल अभी मैं करवा रहा हूँ, आएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई, किसके लिए बन गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसी भी टाइम, के पूछ रहा तो के को इधर ले आ, पी को इधर ले जा, ठीक है, टी हाफ पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या आप इसमें निकाल सकते। ये इक्वेशन आपने याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वही है इनिशियल प्रेशर बाय रिमेनिंग प्रेशर, किसके रिमेनिंग प्रेशर तो बच गया, इसमें से कम हो गया आफ्टर टी टाइम के बाद, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसको नोट करो भाई, फिर हम क्या है, मैं एक एग्जांपल इसके इसके ऊपर करवाता हूँ, इसके ऊपर हमें क्या है एक एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकम्पोजिशन, ये अपने आप ही दे देगा भाई, ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 गैस, मैंने एग्जांपल भी बताया इसका, ये फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है, बहुत ज्यादा बार एग्जांपल आएगा, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये डाटा दिया गया है, क्या N2O5 गैस है, क्या बनेगा N2O4 प्लस O2, तो डाटा क्या भाई, सीरियल नंबर यानी कि T0 स्टार्ट इनिशियल स्टेट में प्रेशर कितना था 0.5 एटमोस्फेयर, उसके बाद क्या है आफ्टर सम टाइम यानी कि 100 सेकंड के बाद, सेकंड में ले रहा है कोई बात नहीं, उसके बाद क्या है प्रेशर कितना हो गया इतना हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट, तो रेट कॉन्स्टेंट निकालने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होगा, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 पी इनिशियल प्रेशर बाई पी रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये पी ए क्या है रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला हमने लगाना है यहाँ। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ध्यान रहे, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, इनिशियल प्रेशर तो ये हो गया, ये रिमेनिंग प्रेशर नहीं है, ये टोटल प्रेशर है, हमने पी ए निकालना, रिमेनिंग प्रेशर निकालने के लिए ही हमने जो सारा काम है जो हम कर रहे हैं वो करेंगे, हमने ये नहीं एज इट इज ये पुट नहीं करना है, ये नहीं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन ये है भाई, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए हमारे पास, मैं यहाँ रिएक्शन लिख लेता हूँ एक बार, 2N2O5, ठीक है, गिव्स गैस है भाई, रिएक्टेंट भी गैस है प्रोडक्ट भी गैस है, 2N2O4 प्लस O2, यहाँ पर मैं मानता हूँ इसको थोड़ा हा, एक सेकेंड भाई, इसको थोड़ा हा, इधर लिख, टू एन टू ओ फाइव गिव्स 2N2O4 प्लस O2, ठीक है, यहां पर टी टाइम है 0 इनिशियल टाइम के ऊपर, राइट। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या, ये देखो 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है, और ये क्या, ये भी 2 मॉलिक्यूल है, ये क्या 1 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने देखो इनिशियल स्टेट में तो यही लेंगे प्रेशर, ये प्रेशर हमारा 0.5, राइट, यहाँ क्या है 0, यहाँ 0, ये प्रोडक्ट है ही नहीं स्टार्ट में, ये आपने सीखना है आफ्टर सम टाइम, ठीक है, टी इज इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी टाइम हो गया, उसके बाद क्या है 100 है या फिर क्या है कोई भी टाइम है, हम कुछ भी टाइम रखेंगे यहाँ पर, तो इस उसके बाद क्या होगा 0.5, ठीक है, माइनस 2x, 2x क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए मैंने x ले रहा हूँ, 2 के लिए हम 2x लेंगे, ठीक है, यहाँ फिर क्या लेंगे 2x, यहाँ क्या लेंगे x, नहीं तो फिर यहाँ हाफ करना पड़ेगा आपने, इसलिए ये ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा था, आपने ध्यान रखना अगर यहाँ कोफिशियंट दे दिया तो फिर आपने यहाँ 2x करना, राइट। यहाँ से अब हमने निकालना क्या, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू इसमें से ये माइनस हो गया और ये क्या है 2x हो गया, ये x हो गया, x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वही लगाएंगे हम पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ होता है वो लगाएंगे भाई, पी टी क्या होता है, पी ऐसे कह लो, ये मान लो भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, या फिर आप कंप्लीट लिख लो पी एन टू ओ फाइव प्लस पी एन टू ओ फोर प्लस पी ओ टू, हमने वो सारे के सारे ऐड कर देने हैं,
ठीक है, तो मैं वो नहीं लिखता, वो बार बार आपको, आप मैं प्लस वन क्लास में भी वो आता है, आपको पता है x, ये ऐड कर देंगे प्लस 2x प्लस x, समझ ही गए आप? ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, pt हमारा क्या आ गया, pt 0.5 प्लस x, राइट। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू pt माइनस 0.5, pt माइनस 0.5, ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू। अब ये वैल्यू आपने कहाँ रखनी है, ये वैल्यू यहीं पर रखनी है फिर आपने, तब पी ए आएगा। पी ए, पी ए हमारा क्या है, देखो यहाँ निकालते हम, पी ए है क्या हमारा, पी ए तो ये है ना, कुछ टाइम के बाद ये है, राइट। तो अब ये निकालने के लिए अब फिर आपने x की वैल्यू यहाँ रखनी है आपने, राइट। तो अब हम रख देते हैं पी ए क्या है भाई, ये रिमेनिंग 0.5 माइनस 2, ठीक है, x की जगह हम ये रखेंगे इंटू पी टी माइनस 0.5, राइट। पी ए यही निकालना मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, पी ए इज इक्वल टू 0.5, राइट। अब इसमें से माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करोगे, ये हो गया 2pt, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये 0.5 है, ये क्या 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, ये 0.5 है और उसका डबल करोगे तो ये 1 हो जाएगा, राइट। अब हम, आपने क्या करना, ये प्लस 1 है और ये क्या है 0.5 है, तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू, ये एड हो जाएगा भाई 1.5 माइनस 2 पी टी, ये क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 1.5 माइनस 2 पी टी। तो क्लियर है यहां तक, देखो ये क्लियर है भाई 2 पी टी। तो अब हम, आपने जाना भाई, देखो एट टाइम, एट टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड, अगर टाइम हमारा क्या है 100 सेकंड हो गया टाइम, तो पी टी कितना है यहाँ पर, पी टोटल प्रेशर कह रहा है कितना है यहाँ पर 0.512, तो ये रख देंगे भाई। अगर हमारा ये किस पे था, किसी भी टाइम के ऊपर, अगर टी हम 100 ले लेते, 100 सेकंड लेंगे, तो उसके लिए इसने डाटा दे रखा है, कितना होगा 0.512, बस आपने यही रखना है यहाँ पर, हम यही रखेंगे भाई एट, ऐसे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ भाई, एट टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड, ठीक है। पी ए क्या हो जाएगा हमारा, पी ए इज इक्वल टू 1.5 माइनस 2 इंटू पी टी की जगह ये वैल्यू रखेंगे 0.512, और रिएक्शन से सोल्व, अगर यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या दे रहा है, अगर 50 सेकेंड दे रहा होता, 30 सेकेंड दे रहा होता, तो हम यहाँ पर क्या टाइम 30 सेकेंड ले लेते, डाटा ये लेना है पी टी, राइट। तो इससे क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा भाई 0.476 एटमोस्फेयर, 0.476, इसको मल्टीप्लाई करके इसको आप करना, ये आ जाएगा, राइट। इसको एक बार नोट करो, फिर हम क्या है, ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, पी ए की वैल्यू आ गई हमारी, ये आपने इस तरह से करनी है। आप देखो इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं यहां रब करके ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, आगे सोल्व करेंगे इसको, हो गया, यस। तो इस वैल्यू को मैं क्या है यहां पर पुट करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको क्लियर है यहां तक, देखो ये क्लियर है, ये कंप्लीट करो यहां से, देखो ये हमने ऐसे निकाला, फिर क्या है ये रख दिया, और ये हमने यहां पर हमारा आ गया। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना भाई, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, बस हमारे पास दोनों वैल्यू है, हमने क्या करना भाई, देखो के पूछ रहा, कैलकुलेट द कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट पूछ रहा, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, टी कितना लेंगे 100 सेकंड लेंगे, ठीक है, दे रहा है 100 सेकंड, लोग पी इनिशियल, इनिशियल कितनी है 0.5, ठीक है, बाई रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी है पी ए, ये आ गई 0.476, ठीक है, इतना ही डिफरेंस आएगा, आपने राउंड ऑफ नहीं करने भाई, राउंड ऑफ आपने कर दिया तो कहानी फिनिश।
ठीक है, राउंड ऑफ कर दो भाई, ये भी 0.5 आ गया, ये भी 0.5 आ गया, कैंसिल, ठीक है, लॉग वन आ गया, लॉग वन की वैल्यू 0, वो नहीं करना है, आपने इतना ही एक्यूरेसी कर लिया, इतना ही डिफरेंस आएगा, ये इनिशियल है और ये क्या उसके बाद। अब आप हम हाँ इसको सोल्व कर देते, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.30 3/100, इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, लॉग 0.5 माइनस ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, लॉग 0.476। अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स, दोनों की वैल्यू देखनी है आपने, लॉगरिथम सोल्व करना है, ठीक है, ये एज इट इज होगा, के इज इक्वल टू 2.30 3/100, इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, देखो यहां पर मैं इसको करा माइनस 0.301, ठीक है, यहां पर क्या है, यह माइनस है और इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.322 अप्रोक्सीमेट। तो यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता है, और ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, आप इसको माइनस करोगे तो क्या कितना आ जाएगा भाई, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.021। के इज इक्वल टू 2.303/100, ठीक है, ये प्लस की वैल्यू आएगी, हो जाएगी ये माइनस की, इसमें से ये माइनस करोगे तो इनटू क्या हो गया, 0.021। मैं सीधी सी बात है, 322 से 321 ही बचेगा, 0.01, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है आपने, इसको आप क्या करोगे, सोल्व हम कर लेंगे भाई, इसको सोल्व करेंगे भाई, यहाँ ये सेकंड है, ठीक है, ये टाइम सेकंड में ही है, ये सेकंड में ही है, इसको सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा भाई 4.98 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा आपका, ध्यान करना भाई, ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा 4.98 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स, ये सेकंड ऊपर जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सेकंड इनवर्स ये यूनिट आ रही है तो आपको पता ही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने कैलकुलेट भी करनी आती है यूनिट, के की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्या सेकंड इनवर्स ही होगी, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपने इस तरह से सोल्व करने हैं। अब हम क्या एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के ले लेते हैं, इसके इससे पहले मैं दो बातें और बताऊंगा आपको, मैं रब कर रहा हूँ इसको, नोट कर लो, यस, देखो क्वेश्चन बना लो या फिर सीधा कर लो, बहुत ही सिंपल बात है, दो बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है भाई, ये बोर्ड में हमेशा पूछी जाती है, ये बोर्ड में हमेशा पूछी जाती है भाई, ठीक है, टी किसी भी रिएक्शन के लिए 99.9% ये होता है भाई 10 times ऑफ टी हाफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रूव करेंगे दोनों बातें, टी 99.9% अगर होगा वो किसका होता 10 times ऑफ टी हाफ, राइट, सेकंड क्या है टी 75%, ये क्या होगा 2 times ऑफ टी हाफ, अगर टी हाफ वैल्यू दे रखी हो उसका डबल, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहा हो कि उसमें कह रहा टी यानी कि 75% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है तो उसमें क्या होगा उसका टी हाफ का डबल होगा, हाफ लाइफ का डबल होगा, तो ये दोनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट, इनको प्रूव करेंगे, इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट से कर लेते हैं हम, अदरवाइज ये सिंपल सी बात है, ये आपने ये दोनों बातें याद रखनी, चलो देखते स्टेटमेंट, सो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% इज 10 times ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, इस तरह से स्टेटमेंट आपको बना के दे सकता है, तो इसलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करेंगे, इसको प्रूव करके देखते हैं, चलो एक बार आप भी ट्राई करके देखना, देखो टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू टी निकालने के लिए हमने क्या है, टी इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 / के लॉग
इनिशियल कंसंट्रेशन बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। ये किसी भी उसको स्पीसीज को ऐसे करके बड़ी ब्रैकेट पे बंद कर दो, ये क्या होगी कंसंट्रेशन, ठीक। आगे बहुत ज्यादा आएगी, यही हमारा एक फॉर्मूला है, इसी से हम देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा, यहाँ पर क्या कह रहा, कंपेरिजन करना है सो दैट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ दैट। तो यहां पर हम दोनों टी निकाल लेंगे, टी हाफ भी और टी क्या है 75% भी, हम यहां पर दोनों टी निकाल लेंगे। तो देखो फिर कंपैरिजन कर देंगे, कंपैरिजन का आपको पता ही है टी हाफ के लिए क्या होती, पहले टी हाफ देख लो, टी हाफ के लिए आपको पहले से ही पता है टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, आपने कैलकुलेट कर रखी है 0.693 बाई के, ठीक। अदरवाइज आप सोल्व भी कर सकते हो, यहाँ पर कंप्लीट लिखो यहाँ पर हाफ लिखो, वो सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं टी 99% के लिए, टी ये हो गई इक्वेशन क्या मान लो, इसको वन मान लो। अब हम सेकेंड करेंगे भाई टी 99.9%, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यही पुट करेंगे 2.303 बाई के लॉग, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लो, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये आप ये मान लो 100% है, 100 है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, 99.9 के बाद, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी यहां पर, रिमेनिंग कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी 100 माइनस 99.9, ठीक है, ये आ जाएगा 0.1। तो ये दोनों वैल्यू हम रखेंगे भाई, इनिशियल ये मान लो, फाइनल ये मान लो, ठीक है। ये रिमेनिंग होगी, इनिशियल बाय रिमेनिंग है, अगर इनिशियल ये है और क्या इतनी इतना टाइम बीत गया तो इतनी कंसंट्रेशन फिनिश हो गई, ये रिमेनिंग ये बच गई। तो यहाँ पर आप हम लेंगे 100 बाई 0.1, राइट, क्योंकि 99 पॉइंट इसके लिए, यहाँ जितना टाइम होगा यहाँ पे उसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, यानी मैंने आपको पहले भी सिखाया है, पहले वाली वीडियो में आप देखो इसको, बस अब इसको हम सोल्व कर देंगे 2.303 बाई के, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 ये 0 हटा दो, ठीक है, ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा log 10 रेज टू पावर 3, ठीक है, या सीधी कह लो, ठीक है, log थाउजेंड्स हो गया, और log थाउजेंड्स की वैल्यू कितनी होती है 3, ठीक है। आपको पता है log 10 की वैल्यू 1, ठीक है, log 100 की वैल्यू 2, log थाउजेंड्स की वैल्यू 3 एंड सो ऑन, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। ये लोग तो ये क्या है, लोग थाउजेंड्स आ गया, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, के को रहने दो, के तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है, 2.303 बाई के इंटू 3, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.909 बाई, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई हमारी टी 99%, ये क्या आ गई टी 99.9% टाइम के बाद। इसको आप हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, आप कंपैरिजन करना है, डिवाइड कर दो फर्स्ट को सेकंड से, डिवाइड कर दो या फिर क्या सेकंड को फर्स्ट से कर दो, एक ही बात है, हमने फिर इक्वल कर देनी है, तो डिवाइड कर देंगे हम इसको, ठीक है। स्टेट्स डिवाइड कैसे क्या करेंगे हम, सीधी लिख लेते हैं 1, ठीक है, ऐसे लिखा करो, ठीक है, वैसे एक को भाग दे दिया 2 से, ठीक है भाई, भाग दे देते हैं एक को 2 से, भाग कैसे देंगे, ये लो हम भाग दे देते हैं सीधा, भाग देने का सिंपल सिंपल है, ये लो यहाँ लिख दिया हमने टी 99.9, राइट, ठीक है, इक्वल को यहाँ कर दो बीच में, ये इसको भाग दे दिया हमने, ये वैल्यू कितनी आ गई 6.909 बाई के, ठीक है, ये ऊपर फर्स्ट लिख दे नीचे सेकंड लिख दे, तो इसको सोल्व कर लो भाई, यही तो होगा, इसको इससे भाग, एक को 2 से भाग दे दिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, इसको अगर इस ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो ऐसे, नहीं तो आप सीधा भी करना सीख जाओ, बहुत सिंपल है, के से के गया, ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही कर लो, के है ये ऊपर गया
तो ये क्या हो जाएगा, के ऊपर गया और ये नीचे क्या आ गया, 6 पॉइंट राइट। अब के से के कैंसिल आउट। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये इसका ये है 0.69, ठीक है, ये है 6.9, यानी कि आप करीब करीब आप देखोगे ये क्या है, इसका 10 गुना है, ये इससे क्या है 10 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। आप सिंपल देखोगे, पॉइंट हटा दोगे तब भी क्या आप देखोगे ये इसका करीब करीब 10 टाइम्स, ठीक है। 10 इधर आएगा तो क्या हो गया, 10t हाफ इज इक्वल टू 10.99%, ठीक है। ये परसेंटेज लगा, यही तो हमने प्रूव करना था कि टी 99% है कि इसका 10 गुना है, किसका, टी हाफ का, यही तो हमारा प्रूव करना था। ये हमारा क्या प्रूव हो जाती है इक्वेशन, यही तो हमने कर ली थी भाई, टी 99% किसकी है, 10 गुना है, किसकी, टी हाफ की, ठीक है। अदरवाइज आप क्या है, इसको ऊपर रख लेते, इसको नीचे रख लेते, फिर ये इधर आ जाता, ये इधर आ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और देखते हैं, एक एग्जांपल इसी में कर लेते हैं। अगर ये कहता भाई, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और बन सकती थी, टी 75% इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, बस, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखते हैं, सेम फॉर्मूला होगा, आप दोनों रख दो और दोनों को कंपैरिजन कर दो। इसके लिए भी हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। टी हाफ क्या होती है, टी हाफ 693 बाय के, क्योंकि थोड़ा हाफ गलत हुआ टीचर का तो आगे नहीं जाएंगे, कमेंट दे देंगे पोज करके, सर गलत हो गया, ठीक है भाई। ये होगी हमारी भाई फर्स्ट इक्वेशन, टी 75% हम निकालेंगे। टी 75% के लिए क्या होगा, 2.303 बाई के। इनिशियल कंसंट्रेशन आप वही करो भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नोट, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट इज इक्वल टू 100 है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी, 75% टाइम है, ठीक है, तो उसमें से फाइनल करना है, यानी कि 100 माइनस 75, तो सीधी सी बात है 25, ये लेंगे आपने फाइनल। तो यहां पर क्या होगा, लॉग 100 बाई 25, तो ये इससे कट गया, कितना आ गया, 4 आ गया यहां पर, तो लॉग 4 आ गया यहां पर, लॉग 4 की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पर 2.303 बाई के इंटू 0.602 लॉग 4 की वैल्यू, ठीक है। लॉगरिथम वाली वीडियो मैंने बना रखी है, अब टाइप करना लॉगरिथम KCC विजय कालकोट, आपको मिल जाएगी लॉगरिथम की भी और एंटी लॉगरिथम की भी, इसलिए मैंने पहले बनाई थी, ये बार बार आएंगे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। बस अब इसको इतना ही रहने दो, ये हमारी हो गई सेकंड, ठीक है। अब की बार हम ऐसे करते हैं, सेकंड को भाग दे देते हैं फर्स्ट से, ठीक है, सेकंड को भाग दे देते हैं फर्स्ट से, तो इसको नीचे, इसके नीचे लिख दो फर्स्ट टी हाफ, ठीक है। टी हाफ को आप टी हाफ की जगह आपने समझना स्टूडेंट्स 50% भी लिख सकता है, एक ही बात है, 50% आधा वही तो है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो ये लिखेंगे हम 0.693 बाई के, यही तो होगा, ठीक है। ये ऐसे भी कट जाएगा, के से के कैंसिल आउट, के से के कैंसिल। अब देखो जो ये वैल्यू 0.693 0.602 अप्रोक्सीमेट ये इक्वल है, थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस होगा, ये ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू ये सारी काटोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, सही लोगे अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डबल आ जाएगा। देखो फिर से समझो, आप सिंपल समझो, वेरी सिंपल, ये भैया पॉइंट, ये थोड़ी सी वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो फिर ये भी तो वैल्यू, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे फिर आप इससे ये क्या है
इसे आप काटोगे भाग दोगे तो ये क्या 2 आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी 2.303 है, ठीक है, ये इतना पॉइंट ये यहाँ पर है, तो ये कट के कैंसिल आउट होकर ये सारा का सारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, ये सारा कैंसिल होगा। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा क्या आ गया टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी 1/t हाफ आ गया। यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करना था। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो 99.9% का एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है, इसलिए वो हमेशा ही बोर्ड में आएगा, ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम में वो क्वेश्चन देता है, कंपिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है, हमेशा ही देता है, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपिटिटिव के लिए उससे ज्यादा, बस ये दोनों ही प्रूव करने हमने, इसको नोट कर लो। अब हम देखते हैं इसमें दो तीन सारी बातें इसमें देखते हैं भाई, देखो हो गया, अब करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर, चलो 3 नहीं क्वेश्चन नंबर ही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है भाई, इफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट इज सिक्स पॉइंट 9.3 इंटू 10^3 पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द टी हाफ टी हाफ या फिर क्या है इसके लिए कुछ भी टी हाफ टी 75%, ठीक है, टी 70 ऐसे आ सकता 2/3 टी 1/4, ठीक है, टी 1/4 आप इसमें भी समझ जाओ, 1/4 परसेंटेज कितना होगा 25%, ठीक है, टी 1/3 टी 1/3 टी 3/4 कुछ भी, ठीक है, कुछ भी भाई, कोई भी आपने कुछ भी कैलकुलेट करना, हम सभी के लिए करना है। तो टी हाफ के लिए तो आपको आपको फॉर्मूला दे ही रखा है, टी हाफ में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, टी क्या होगी 1/2 इज इक्वल टू, या फिर आप फॉर्मूले से कर सकते हो 0.693/k, टी हाफ तो आप इससे ये के की वैल्यू पुट कर दो, इसको सोल्व कर दो, हो जाएगा कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये दे ही रहा। उसके बाद स्टूडेंट्स टी क्या है 2/3, ठीक है, 2/3 का मीनिंग आप समझो, क्या समझोगे भाई, अगर 2/3 अगर टोटल 3 थी तो उसमें से 2 कंप्लीट हो गए, हमारे पास क्या है 3 पार्ट्स थे और उसमें से 2 कंप्लीट हो गई तो बच कितना गया 1, तो 2/3 कह रहा है तो रिमेनिंग हमारी कितनी होगी 1/3, जो 1 देखो 2/3 प्लस 1/3, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 3, तो 2 प्लस 3 सॉरी
टू प्लस वन तो कितना आ गया, 3/3, यानी कि 1 हो गया, कंप्लीट 1 तो हो गया। आपने ऐसे ही देखना है इसको, थोड़ा हाँ मैथमेटिकल क्या है, मैथ्स का इंप्रूवमेंट कर लो। तो इसमें आपने यही देना, 2/3 कह रहा है तो आप यहाँ लिखोगे भाई देखो टी 2/3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा वही 2.303 / k log, ठीक है 2/3 कह रहा है, ठीक है। अगर टोटल कंसंट्रेशन 3 है, इसका मीनिंग क्या है, अगर टोटल कंसंट्रेशन हमारी 3 है तो उसमें से क्या है 2 कंप्लीट हो गई भाई, टोटल 3 है तो 2 कंप्लीट होगी तो रिमेनिंग कितनी बच गई 1। ध्यान दो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, अगर 2/3 कह रहा है तो यहां पर कितनी बचेगी 1/3, 1/3 बचेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे टोटल कंसंट्रेशन हमारी 1 है तो उसमें से क्या है 1 में से 2/3 कंप्लीट हो गई, तो इसको आप सोल्व करके देखोगे तो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/3 आ जाएगी, 1/3। तो यहाँ पर रिमेनिंग लेनी, ये टोटल है 1 और ये आपने लेनी है रिमेनिंग, तो ये कितनी हो जाएगी 1/3, ये ऊपर पलट जाएगा ऐसे ऊपर पलट के तो क्या हो जाएगा ये 3/1 यानी कि 3 ही हो जाएगी। नहीं आई समझ, फिर से देखो, फिर से देखो, मैं इसको इसको कंप्लीट करो भाई, इसका मीनिंग आप समझो, 3 में से 2 कंप्लीट हो गई, ठीक है 3 में से टोटल हमारी 3 थी, ठीक है उसमें से 2 कंप्लीट हो गई, रिमेनिंग कितनी बच गई 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई तरह से लिख सकते हो इसको, कई तरह से, ठीक है। या फिर आप सीधा ऐसे कर लो, टोटल आपके पास 1 थी और उसमें से क्या है 2/3 कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कितनी होगी 1 - 2/3, ठीक है ऐसे कर लो आप, फिर ये क्या आ जाएगा 2.303 / k log, ठीक है 1 बाई, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ गया 1/3, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसे पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा log 3। और सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, सबसे सिंपल आपने ये देखना इसका मीनिंग क्या, 2/3 टोटल 3 है उसमें से 2 कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग बचनी, ऊपर टोटल लिखो नीचे क्या है रिमेनिंग लिखो 1 हो गई, बहुत सिंपल। अब सी नेक्स्ट का देखते हैं, जैसे यहाँ पर k की वैल्यू रख देना, log 3 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी, बहुत सिंपल, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड के लिए आपने ये कैलकुलेट आपने करना है, ये हमारी क्या है थर्ड हो गई। तो थर्ड में यहाँ भी फिर वही बात आ गई, यहाँ आपने क्या समझना, अगर टी 1/4 कह रहा है तो आपने वही फॉर्मूला 2.303 ये फॉर्मूला लगाना, ये के लोग देखो बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, ऊपर टोटल लेनी है, टोटल आप 4 मान लो भाई, हमारे पास तो 4 थी टोटल, राइट, उसमें से 1 कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कितनी बच गई 3, रिमेनिंग कितनी बच गई 3 बच गई। ये बहुत बिल्कुल ही शॉर्टकट है ये, आप सिंपल, और अदरवाइज क्या है बहुत सारी बुक्स फॉर्मूला बना रही है, फॉर्मूला हम भी बना देंगे, फॉर्मूला बना लो उससे भी यही आएगी, फॉर्मूला क्या बना रही, टोटल 1 मान रहे हैं, 1 में से क्या है नीचे क्या रिमेनिंग 1/4, अदरवाइज नहीं तो भी फॉर्मूला बना लो वो बड़ा बनेगा, बहुत सिंपल, नहीं तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये टोटल होती है ये कंज्यूम हो गई और इसमें से माइनस कर दो वो क्या है बच जाएगी, वो क्या है फिनिश, यानी कि रिमेनिंग बच जाएगी, नहीं तो इसमें कैलकुलेशन बढ़ानी है, ये जो शॉर्टकट के नाम से फॉर्मूले देते हैं उसमें कैलकुलेशन बढ़नी है। आप अब इसमें कैलकुलेशन कितनी बढ़ गई, ये लो 1 लो, फिर ये क्या है इसका एलसीएम लो, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, फिर क्या है ये 1/ वो लो, फिर लिखते रहो लाइन, फिर ये क्या हो गया 3 हो गया, ये 3/4 हो गया, फिर इसको पलट दो, ये क्या है मतलब उसको एक छोटा क्वेश्चन होता है उसको बहुत लंबा दिखाने के लिए, बुक्स वाले ऐसे ही करते हैं, वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने झंझट में आप बढ़ रहे हो, इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला नहीं बनाना कुछ भी, सिंपल सी बात है। आपने हमने हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है स्टूडेंट्स, क्या इनिशियल माइनस फाइनल रिमेनिंग, इनिशियल बाई रिमेनिंग, ठीक है। इनिशियल क्या है यहाँ पर, इसका मीनिंग ये होता है ये टोटल है और ये खत्म हो गई तो रिमेनिंग क्या होगी, यहाँ पर बहुत सिंपल है, ऊपर कंप्लीट और नीचे रिमेनिंग 3 हो गई, 4 में से 3, ये ऐसे लिखना सीख लो बहुत ही इजी रहेगा। अगर आपको क्या ये कह रहा भाई 25% कह रहा, परसेंट का मीनिंग भी क्या होता, 100 में से 25,
ठीक है, ये हो गया, इसके बटे 100 करो, इसको काट दो 1/4, बस ये बन गया 1/4। ठीक है, अगर 75% कह रहा है तो 75% मीनिंग यानी कि परसेंट, 100 में परसेंट, सेंट का मीनिंग ही 100 होता है, तो यहाँ पर क्या करो, ये 100 और ये क्या 25 से कट गया, 3/4 आ गया। बस अब आपने समझना है ये टोटल है, ये कंज्यूम हो गई, रिमेनिंग कितनी होगी, 4 में से 3 गया 1, बस बहुत ही सिंपल है, 4/1 आ गया। वो उसमें उलझना ही नहीं है, आपने इसमें सोल्व कर लेना। इसमें क्या करोगे आप, इसमें बहुत सिंपल है, करना इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होगा, ये मैंने लॉगरिथम बता ही रखा आपने ऐसे है, तो आगे हो जाएगी नेक्स्ट लाइन log 4 - log 3। ठीक है, log 4 की वैल्यू रखो, log 3 की रखो, माइनस करके इसको भाग दे दो, कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे ही रहा है ये। इस तरह से आप क्या सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, चलो फोर्थ देखते भाई। फोर्थ में क्या कह रहा है, t 1/3, यस t 1/3, 2.303 बाई के 1/3, टोटल 3 है, log 3, उसमें से 1 कंप्लीट हो गई, 3/2 हो गया। ठीक है, log 3 - log 2 हो जाएगा आगे चल के, वैल्यू पुट करके आपने सोल्व कर लेनी। नेक्स्ट में क्या, फिफ्थ में क्या क्या करोगे आप, 4/3/4 कह रहा, तो आपने यही करना, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें क्या होगा, ऊपर 4 लेनी है और नीचे रिमेनिंग लेनी है, 4 में से 3 तो कंप्लीट हो गई, बस ये कितनी 1, तो log 4 की वैल्यू रख के आप क्या है इसको सोल्व आप कर लोगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। अदरवाइज भी फॉर्मूला लिख लो इनके लिए, फॉर्मूला क्या बन गया, चलो फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे खुश होते हैं फॉर्मूला पुट करके, खुश होते भाई कुछ, ठीक है, तो फॉर्मूला बना देते हैं। टी मैं एफ ले लेता हूं, एफ किसी भी टाइम के ऊपर, ठीक है, कोई भी टाइम स्पेंड हो गया, इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 1/1 - f, 1/1 - f, ये आपका क्या हो गया, जो बुक्स वाले फॉर्मूला बनाते हैं वो हो गया। अदरवाइज मैं नहीं कहता, मैं फॉर्मूला बनाने के नहीं कहता, मेरे समझ से बाहर है फॉर्मूला बनाने की। अगर 40% कह रहा है टी, 40% कह रहा है, तो आप सीधा करो, आप 40% को सोल्व कर लो पहले। 40 का मीनिंग क्या, 40/100 हो गया, ये क्या कट, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया यहाँ पर टी 2/5। तो अब इसके लिए आप कैसे लिखो, 2.303 बाई के लॉग, तो इनिशियल टोटल कितनी है यहाँ पर 5, ठीक है, ये इनिशियल 2 फिनिश हो गई, नीचे कितनी बची 3, बस log 2 log 3 log 5, बस इतना आएगा भी नहीं, सिंपल आएगा, log 3 की वैल्यू आएगी, log 6 की वैल्यू आएगी, उसमें आप आगे क्या करना, log 5 - log 3, इसको सोल्व करके इसको सोल्व कर देंगे। मैं तो सीधा ये सीधा फॉर्मूला रखो, इसका बेस याद रखो, इसलिए मैंने एक बार टैग लाइन भी दी थी, रटो मत समझो, रटो मत समझो बेटा, कितने फॉर्मूले याद करोगे, कितने फॉर्मूले से रटोगे, फिर भूल जाओगे, फिर बेस समझ के चलना आपने। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम क्या है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक टाइप मैं और करवा देता हूँ, एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट्स, फाइंड द टाइम इन विच इट इज 60% कंप्लीट। भाई ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले से ही बता रहा है ये, और वो क्या है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कम्पिटिटिव में भी दे देता है, ऐसी बात नहीं, कम्पिटिटिव में देता है इसमें क्वेश्चन, तो यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की भरी मिलेगी आपको हर जगह। ये कह रहा है 20% कंप्लीट होती है भाई 5 मिनट में, और क्या है 60% निकालने, इसके दो फॉर्मूले, दो मेथड हो सकते हैं, तो यूनिटरी मेथड आप लगाओ, बहुत सिंपल, जो यूनिटरी मेथड जो 4th-5th स्टैंडर्ड में आप सीखते हो, बहुत परसेंटेज वाला सिंपल मेथड है, इससे आप क्या करोगे, मैं ये कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता लग गया, तो फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ से एक बात आप समझो क्या, कि रेट कांस्टेंट तो एक ही होगा, एक ही रिएक्शन है, ठीक है, एक ही ऑर्डर बता रहा है, तो के की वैल्यू तो सेम होगी, कांस्टेंट होगी, तो यहाँ से हम क्या, एक मेथड हमारा ये है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इससे हम क्या है, इसने क्या है परसेंटेज दे दी और टाइम दे दिया, तो हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कॉन्स्टेंट की वैल्यू, ठीक है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस के की वैल्यू पुट करके सेकेंड इक्वेशन में क्या, फिर परसेंटेज दे रहा है,
टाइम नहीं दे रहा, टाइम पूछ रहा है। के की वैल्यू हमें मिल जाएगी, फिर आपने क्या करना है, के की वैल्यू निकाल के फिर सेकंड टाइम आप टी की वैल्यू निकाल लोगे सेकंड केस में, के की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे, टाइम की वैल्यू निकाल लोगे। एक तो मेथड ये है, ठीक है। और सेकंड मेथड्स क्या है भाई, दोनों का टी निकाल लो आप, दो बात है, दो स्टेटमेंट है, दोनों का टी निकाल लो, के कॉन्स्टेंट है, के कैंसिल हो जाएगा, तो आप उसमें दोनों का कंपेरिजन इक्वल रख दो, ठीक है, टी को, या फिर भाग दे दो आप एक को दूसरे से, भाग दे, कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन करने का मैंने आप बता रखा, आप एक को दूसरे से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो फिर आपकी क्या है, टी की वैल्यू आ जाए, जो सेकंड टी की वैल्यू वो आ जाए, उसमें इजी रहेगा आपको, क्योंकि के की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी कैलकुलेट, के कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही, कॉन्स्टेंट है वो, एक ही जगह। तो चलिए देखते हैं हम, बहुत सिंपल, फर्स्ट के लिए क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट ऑर्डर दे टी निकाल लेते हैं हम, ठीक है, जनरल सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो आप के भी निकाल, फॉर्मूला पुट करो और कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालो, ठीक है। नेक्स्ट एक बार आप क्या निकालो, के की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 बाई टी, ठीक है, लॉग लॉग बेस 10 है ये, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। अब ये कह रहा है 20%, यहाँ से देखो स्टूडेंट 20% कह रहा है, ठीक है, 100 में से 20, अगर इनिशियल टोटल 100 है तो क्या है, कितनी हो गई 20%, तो हमने कितनी लेनी है, रिमेनिंग, वो तो कंप्लीट हो गई, रिमेनिंग लेनी है, तो रिमेनिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर ये 100 है तो रिमेनिंग कितनी हो गई 80, ठीक है, ठीक है। आप इसको इजी भी बना सकते हो, काट सकते हो, 20 से कट गया, सीधी सी बात है, कितना आ गया 5/4 आ गया, ठीक है, 5/4 कितना आ गया, 4 हो गया। अच्छा यहाँ पर एक बात और सीखो आप, ये सीखो भाई, अगर लॉग की वैल्यू 10 में रहता फिर आपने क्या करना करना पड़ेगा, लॉग 5 - लॉग 4, अगर आप लॉग की वैल्यू 10 में रहे तो वो अच्छी रहेगी, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 - वो कर देंगे, बहुत ईजी रहेगा उससे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से काट लें, इस तरह से, ठीक है, 10/8 लिख, ठीक है, हम क्या लिख लेंगे, लॉग 10/8, ठीक है, ये तो आप समझ गए होगा, ये लगाने की जरूरत नहीं, 1/, ठीक है, 1 - 8, नहीं कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये 1 हो गया उसमें, ठीक है। या फिर क्या है कि ऐसे भी बन सकता है, इनिशियल - फाइनल, तो इनिशियल कितनी है यहाँ पर 100, ठीक है, ये क्या है, इनिशियल फिर 100 हो जाएगी, यहाँ पे कितनी दे रखी है 20%, तो वही आ गया 100/80 आ जाएगा, तो वो करने की आपने जरूरत नहीं, आप सीधा कर लो, इतने तो आप बड़े हो गए, समझदार ही हो, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप, ठीक है, टी की वैल्यू 5 मिनट्स दे रखी है, इसको कर लो सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो हम के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू 2.303/5 log 10, ठीक है, -log 8, log 10 - log base 10 8, ठीक है। log 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 raised to power 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 raised to power 3, ये तो हो गया 2 2 2 4 8, बस 2 2 4 4 2 8, कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, बहुत सिंपल होगा, log 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.303/5, ये क्या आ गया, ठीक है, log 10 की वैल्यू 1, ठीक है, ये आप इनटू में रखो, क्योंकि ये सोल्व करके फिर मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना भाई, ठीक है, ये सोल्व करके कंप्लीट फिर मल्टीप्लाई, ऐसे मत करना ये मल्टीप्लाई फिर ये, नहीं इसको माइनस करो, ठीक है, ये 3 आ गया 3 log 2, ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद होनी चाहिए, बहुत बार आ गया 0.301, ठीक है, 0.1 भी मतलब 0.3 ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 - ये कितना हो गया 0.9, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हो गई, तो आपको पता है इसमें से 1 - 9 गया तो कितना बच गया, 0.1 बच गया, कितना बच गया 0.1, भाई सीधी सी बात है, ये हो गया ये लो, ठीक है, ये कितना हो गया 0.9, तो ये 1 तो बच गया, बहुत सिंपल है, ठीक है, 0.1 ही बच गया। तो यहाँ पर आपने क्या ले लेनी है, यह हमारी क्या हो जाएगी, इंटू 0.1, राइट, 0.1 को आप यहाँ से हटा दो, ये 10 हो गया, इसको आप सोल्व कर लो, जो भी हमारा आएगा के की वैल्यू आ जाएगी, वो के की वैल्यू आप कहाँ रख दोगे, कहाँ रख देंगे, वहां पर रख देना नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट हमारी क्या बनेगी, टी 60% पूछ रहा भाई, टी 60%, ठीक है,
टी 60% के लिए फिर आप क्या लोगे, 2.30 3 बाई के, ठीक है, के की वैल्यू भी यही रखोगे, ठीक है, ये नीचे के है तो ये पलट के रख दी जाएगी, ऐसे रख दो आप, ठीक है, पलट के कैसे हो जाएगा, ये 10 ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, 2.303 बाई नीचे ये क्या आ गया, 1, ठीक है, ये 1 की वैल्यू रखने की जरूरत, तो 1 आ गया, इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा, ठीक है, ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये इंटू हो गया, ये 5 कहाँ गया, ऊपर गया। फिर से देखो मैंने क्या किया है, जो नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, देखो 2.303, इसको इतना ही रहने दो, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही रहने दो, 2.303 बाई के लोग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल, अब भी वही बात है, ठीक है, इनिशियल अगर 100 है तो ये क्या 60% तो कंप्लीट हो गई, रिमेनिंग लेनी, रिमेनिंग कितनी होगी 40, ठीक है, इसको भी आप इसी उसमें रख लो, 10/4 कर दो, राइट, इजी रहेगा, लॉग 10 की वैल्यू आ जाएगी, इजी रहेगा, 2 raised to power 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 10 माइनस लॉग 2 raised to power 2। अब के की वैल्यू इसको सोल्व कर लो पहले, फिर के की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व कैसे होगा, ये 1 हो गया, ये माइनस हो गया, ये 2 log 2, ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी होगी, फिर वही होगी इंटू 0.3, राइट, ये हो गया 1 माइनस 0.6, यानी के कितना बच गया, 0.4, ठीक है, ये सोल्व करोगे 0.4 आ गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू 0.4, ठीक है, इसको भी 0.1 रखो, अभी आप 0.1 नहीं रखो, उतनी ही कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन घाट कम ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है, अब हमने क्या करनी, के की वैल्यू रख दो इसमें, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाली, कॉन्स्टेंट तो सेम ही रहेगा, एक ही तो रिएक्शन है और एक ही वो हमारे पास, बस टाइम चेंज हो रहा है, तो 60% के लिए क्या होगा, हम रखेंगे यहाँ पर 2.303, ठीक है, इंटू 0.4 और के नीचे है, ठीक है, ये नीचे है तो पलट जाएगी, पलट के लिखोगे तो क्या, ऊपर 5 और नीचे क्या आ जाएगा, 2.303 इंटू 0.1, ठीक है, इससे ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल, ये क्या है, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, टी हमारा क्या आ गया, टी 60% के लिए टाइम कितना आ गया, 20 मिनट्स, ठीक है, मिनट्स, ठीक है, लिख दो भाई, ठीक है, मिनट्स लिख देना भैया, ठीक है, एम मिनट्स, ये आंसर आ गया आपका, बस हो गया हमारा, हो गया बस इसमें, ठीक है, अरे लिख देते हैं, बच्चे कहेंगे सर आपको मिनट की स्पेलिंग भी नहीं आती, ठीक है, अच्छे मिनट, मिनट होता, मिनट का मीनिंग एक और होता, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, माइनो, चलो ये है, बस इतना ही आ गया, बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते, हमने क्या किया है, पहले हमने इससे, इस स्टेटमेंट से के की वैल्यू निकाली, फिर सेकंड स्टेटमेंट में टी 60% की वैल्यू, ये के की वैल्यू, वो सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज रख देना, ये कट जाएगा, कॉन्स्टेंट है, ये कटेगा, कैंसिल होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अदरवाइज क्या है, एक सेकंड मेथड हम देख लेते, सेकंड मेथड क्या होगा, दोनों टी निकालते, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी करवाते हैं, बुक्स भी ऐसे दे रही हैं, ठीक है, ये मैंने अपना फॉर्मूला बना रखा है, ठीक है भाई, कंप्लीट, वो ऐसे बनाते हैं भाई, कंप्लीट, वो उस तरीके से बनाते हैं, उसमें उलझ जाने वाली भी बात है, ठीक है, मेरे माइंड में तो ऐसे ही आता है हमेशा, भाई के की वैल्यू निकालो, फिर उसमें नहीं तो दोनों टी की वैल्यू निकालो, 20%, क्या फॉर्मूला होगा, 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 बाई रिमेनिंग 80, ठीक है, वही सिंपल बात है, इसको हटा दो, कट गया, ठीक है, 10/8 हो गया, यहाँ से वैल्यू रख दो, टी 20% टाइम दे रखा, ये आ गई 5 मिनट्स इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग 10 माइनस लॉग 8, लॉग 8 फिर वही हो जाएगा 2 raised to power 3, ठीक है,
इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस 2, सॉरी आगे आएगा 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3, ठीक है, 301 होती 3 ले लिया करो, इजी रहेगा। तो हम यहाँ क्या होगा 1 माइनस 0.9, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.9 उतना ही आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ इंटू 0.1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब सेकंड इक्वेशन देखो किसके लिए, 60% के लिए, तो ये क्या होगी टी 60% इज इक्वल टू फिर वही 2.303 बाई के लोग इनिशियल 100, ठीक है, 60% तो कंप्लीट हो गई, कितनी बच गई 40, ये जीरो से जीरो गई, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो आप, इसको सोल्व आपने फिर वैसे ही करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा लोग 10 माइनस लोग 4, भाई यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको, लोग में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप फिर लॉगरिथम के लिए टाइप करो लॉगरिथम बाई विजय कालकोट, ठीक है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व करो भाई, फिर वही लॉग 10 की वैल्यू 1 और ये क्या हो जाएगी 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगी, ईजी बनाने के लिए 2 इंटू 0.3, राइट, ये क्या हो गया 1 माइनस 0.6, इसमें से गया तो क्या आ गया 0.4, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इंटू 0.4, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब आपने एक को दूसरी से डिवाइड कर देना है, तो चलो अब हम क्या, बहुत सारे टीचर ऐसे ही करते हैं, इसको इस एक को डिवाइड कर दो, कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन करोगे तो इक्वल आ जाएगा। तो कंपैरिजन में क्या होगा स्टूडेंट्स, हम कर लेते हैं भाई 2, ठीक है, भाग में 1 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंड लिखी है इसके नीचे फर्स्ट कर दो, ठीक है, इसके नीचे भाग दे, यहाँ पर क्या लिखो 5 मीन्स इसके नीचे सेम करो, ये आ जाएगी 2.303 बाई के इंटू 0.1, राइट, ऐसे ही होगा, इससे ये मर गया, ठीक है, इससे ये गया, 5 उधर जाएगा, तो क्या होगा टी 60% इज इक्वल टू 4 इंटू 5, ठीक है, ये मिनट है, टाइम मिनट में ही आएगा, तो ये कितना आ गया, वही आ गया 20 मिनट्स। इस तरह से आप कर सकते हो, दोनों जो भी आपको अच्छा लगे उतना ही, कैलकुलेशन उतनी ही करनी, आपने यही रखना, यही निकालना, यही करनी, उतनी ही होगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, इसको फिनिश करते हैं फर्स्ट ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, इंटीग्रेटिंग मेथड को, और आप क्या तब तक पढ़ाई कीजिए और इनको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर को तो आप बहुत अच्छे से करो भाई, फर्स्ट ऑर्डर में जितने भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ करो, फर्स्ट ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जीरो और फर्स्ट ही सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए क्या है, आप इसको देखते रहो, और क्या है भाई, आपको समझ आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आप करना। थैंक यू, यस।